आईना दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी को मैंने किया है कि आईना देखिए आपका चेहरा, चाल चरित्र और चेहरा, कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उसको साबित करना होता है कि वो निर्दोष है, लेकिन जो गिरफ्तार करता है उसको ये नहीं साबित करना होता है कि आप दोषी है। आप भ्रष्टाचार जो है उसको ना साबित कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज, मैं हूँ आपके साथ दिव्या पंडित। इस वक्त हम RZD ऑफिस के बाहर में खड़े हैं। एक बड़ा सा देखिए, फिर से आज सुबह सुबह पोस्टर लगाया गया है, पोस्टर लगा लगा के, कभी RZD तो कभी BJP तो कभी ZDU। अभी देखिए बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर में लिखा हुआ है भाजपा का भ्रष्टाचार, जनता आंखें खोल के देखे। अब यहाँ पे RZD के समर्थक है, उनसे ही जानकारी लेके लेते हैं कि आखिर इतना सब बड़ा पोस्टर क्यों ही लगाया गया है। ये इतना बड़ा पोस्टर आप लोग लगाए और लिखे भाजपा का भ्रष्टाचार, जनता आंखें खोल के देखे। भ्रष्टाचारी तो भाजपा वाला कह रहे हैं कि RZD वाले हैं। तो कोई RZD वाले हैं तो आप क्यों भ्रष्टाचार कर रहे हैं? मैंने बोल कर करके आप भ्रष्टाचार करिएगा क्या? आपका भ्रष्टाचार सरकारी संस्था है, कैग में ये सब दर्ज है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है, और PM-BY-CARE फंड, ये कहते हैं कि प्राइवेट है। प्राइवेट कैसे है जब सरकारी संस्था आपको चंदा दे रही है, तो प्राइवेट कहाँ से हो गया? ये सारे आईना दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी को मैंने किया है कि आईना देखिए आपका चेहरा, चाल चरित्र और चेहरा। आईना तो आपको भारतीय जनता पार्टी दिखा रहा है 400 का पार, CAA भी लागू हो गया। छोड़िए ना, हमको क्या दिखाएगा? CAA लागू कर करके क्या कर लिए? CAA लागू हो जाने से क्या हो गया? अरे आप भ्रष्टाचार को दबा नहीं सकते हैं, जो आपने किया आपके ऊपर जो है ये आरोप है, और ED और CBI का डर दिखा करके इतने नेताओं को मोदी सरनम गच्छामि करवाए हैं। जो मोदी सरनम गच्छामि नहीं होते हैं उनको आप जेल भेजने का काम करते हैं, यही तो है आपका। घोटाला नहीं किया, अभी दो दो को विधायक जी के घर पे ना ED गई है, IT का अधिकारी कलकत्ता से आके कितने शराब माफियाओं का ही किए हैं। ED जिसके घर गया वो घोटाला हो गया। ED कैसे मिला है? ED तो मोदी के कहने पर जाती है। अच्छा। ED इन लोग के यहाँ भी गई थी, ये सब लोग हो गए मोदी जी के शुभ चिंतक, और उसके ऊपर जांच बंद हो गया। ED का PMLA कानून है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उसको साबित करना होता है कि वो निर्दोष है, लेकिन जो गिरफ्तार करता है उसको ये नहीं साबित करना होता है कि आप दोषी हैं, यही काला कानून है। हाँ, आप अरेस्ट किए हैं तो 6 महीना में 1 साल में उसको साबित करिए कि आप ये आदमी भ्रष्टाचारी है, लेकिन वो करते नहीं। कितना दिन हो गया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को साबित अभी तक नहीं कर पाए, अब वो बेचारा कहाँ से साबित करेगा? वो जेल के अंदर है, क्या साबित करेगा कि कैसे है वो भ्रष्टाचारी नहीं है? आप भ्रष्टाचार जो है उसको ना साबित कीजिए। भ्रष्टाचार तो आपको साबित कर रहे हैं, कह रहे 17 महीने में जो 1700 करोड़ घोटाला किए हैं तेजस्वी, अब जेल जाएंगे, पिताजी तो जेल में अब जेबे करेंगे। किसने कहा कि 17 महीने में? जिस तरह से कहा BJP वाले कह रहे हैं भाई, किसने कहा? BJP वाला साफ कह रहा है कि 17 महीने में जिस तरह से कह रहे हैं हम रोजगार दिए हैं, तो रोजगार दिए 17 महीने में 1700 करोड़ का घोटाला किए, उसका आप ब्यौरा देंगे। अरे वो ब्यौरा तो दे, बोलने के लिए मुंह है, टपर बोल दीजिए, इससे क्या मतलब है? हमने तो कैग रिपोर्ट के अनुसार दिया है, केंद्र सरकार का एक एजेंसी है कैग, उसने रिपोर्ट दिया है, और उस रिपोर्ट के अनुसार मैंने बताया है। वैसे ही मैंने नहीं आरोप लगाया, ये आरोप जो है केंद्र सरकार के एजेंसियां लगाई है, मैं नहीं लगाया हूँ। तो कह रहे ED CBI का, जिस तरह से आप लोग बात बोल रहे हैं, ED CBI क्यों नहीं भेजेंगे? कर रहे हैं कि वो घोटाला किए, वो भ्रष्टाचारी किए, जैसा कर्म किए हैं वैसा फल, और लोगों के पास क्यों नहीं जा रही ED CBI? RJD वाले के पास ही क्यों जा रही है? सभी RJD के विधायक के पास क्यों जा रही है? लालू के घर में क्यों छापा मार रहा है? आपको इतना दिन में लगता है कि मैं मालूम नहीं है, मैं इसीलिए तो ये पूरा चित्र दे दिया कि कौन लालू के परिवार है का, ये सब लालू का परिवार है। ये लिखे पेंशन घोटाला, पेंशन के पैसे से प्रचार में खर्च किया गया, पेंशन का पैसा तो आप लोग के पास भी था। आप लोग भी जो रोजगार कर रहे, जो इतना बड़ा पोस्टर लगवा रहे, पोस्टर का पैसा कहाँ से आ रहा है? अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, कैग रिपोर्ट कह रहा है। आप क्या बोलिएगा? मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, पान नहीं खाता हूँ, वो पैसा बचा करके पोस्टर पर लगाता हूँ, क्या बात? हम कहा अब राजनीति आप लोग पोस्टर पे ही करिएगा? पोस्टर पर क्या, जो भ्रष्टाचार 24-2025 का इसी पे कीजिएगा। ये सभी चीज पोस्टर भी है, जो है वो जनता कैसे जानेगी? अच्छा। हम तो पूरे पंपलेट बांटने का काम करेंगे पूरे बिहार में। देखिए ये थे RZD के प्रदेश महासचिव कहे जाते हैं, इनका नाम अरुण यादव है। ये जो है देखिए
आज से 3 दिन पहले इन्होंने एक पोस्टर लगाया था, फिर से आज एक नई पोस्टर लगाई है। जब पोस्टर की बात की जाए तो भाजपा वाले ईडी सीबीआई की बात करते हैं, भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राजद भ्रष्टाचारी है, उससे बड़ा भ्रष्टाचार तो देखने को दुनिया में मिलेगा नहीं। बिहार में माफिया, शराब माफिया, आरोपियों का बात बात पर आरोप लगाया जाता है कि लालू प्रसाद यादव परिवारवादी करते हैं, भ्रष्टाचारी है, लेकिन इनके अराजक के हैं, कर रहे हैं, बीजेपी वाले भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, बड़ा सा पोस्टर लगवा लगवा के आप लोग, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि 2024 और 25 क्या पोस्टर पे ही राजनीति करेगी। फिलहाल हमारे वीडियो में इतना ही, आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़, धन्यवाद।